नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कंट्रोल पैनल पर। मेरा नाम प्रमोद परियार और आज हम जीना वायरिंग के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ आपका 2 नंबर टू वे स्विच, 1 नंबर लैंप, ये टू वे स्विच है और ये जो एल देख रहे हैं आप, ये हमने लाइन दिया है, लाइन उठाया एल से और A1 को दिया। ये एक स्विच है जिसमें 3 पॉइंट दिए हुए, A1, B1 और C1। तो हमने L को लिया, A1 में किया, लगाया, कनेक्ट किया और वहीं से जो आप दूसरा स्विच देख रहे हैं B2, A2, B2 और C2, तो क्या करेंगे, दोनों स्विच का, एक पहले स्विच का B1, दूसरे का B2 पॉइंट शॉर्ट कर देंगे और पहले स्विच का C1 और दूसरे स्विच का C2 शॉर्ट कर देंगे। ये तो हमारा वायर रन हो गया, बाकी दोनों स्विच का एक एक पॉइंट बचा हुआ है, पहले स्विच का A1, दूसरे स्विच का A2। तो क्या करेंगे, इसका A2 का, दूसरे स्विच का A2 लेंगे और लैंप को कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार मेरा फेज जो है रन हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे एन जो देख रहे हैं आप, एन लेके सीधा हमने लैंप के दूसरे पॉइंट को दिया। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमारा A1 और B1 ये स्विच जो ओपन दिख रहा है आपको, एन पॉइंट है अभी, इस तरीके से ये शॉर्ट होगा ऑन करते ही। इधर दूसरे स्विच का B2 और A2 ये शॉर्ट होगा ऑन करने पे, उस कंडीशन में आपका लैंप चल जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, आप सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं तो ऊपर जाके इसको दूसरे स्विच का A2 जो दिख रहा है ये C2 को कनेक्ट हो जाएगा तो ये लैंप आपका ऑफ हो जाएगा। उस तरीके से हम सीढ़ियाँ जब उतरते हैं रात में तो अंधेरा रहता है, तो उस कंडीशन में हम सेकंड स्विच ऊपर जो लगा हुआ उसको C2 से B2 के लिए शॉर्ट करेंगे तो ये लैंप जल जाएगा। नीचे उतर के सीढ़ियाँ कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेंगे, B1 जो दिख रहा है आपको, B1 से हम C1 की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। तो हमारा ये लाइन में फ्यूज लगा हुआ है, ये न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है, उसके साथ साथ हमने स्विच को ये अर्थ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो ये ई है, अर्थ है। इस तरीके से हमने दोनों स्विच को रन किया, उसके बाद लैंप को किया है, यही था हमारा जीना वायरिंग। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।